पाओ, ये व्यू देखो, दूर दूर तक भीड़ों सी है। जा रहे हैं एक्चुअली अभी हम हैं वेलिंगटन में, और वेलिंगटन से हम जा रहे हैं हैमिल्टन अभी, और हैमिल्टन से हम जाएंगे टोरंगा, और टोरंगा से हम जाएंगे फिर साउथ आइलैंड टिमारू। टिमारू एक्चुअली आपके लिए नहीं है, मैं तो गया हूँ ऑलरेडी, बट मैंने वीडियो नहीं बनाई थी जब मैं गया था उस टाइम पे, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं करा था मैंने उस टाइम चैनल अपना। तो इस बार हम जाएंगे तो टिमारू भी मैं आपको दिखाता हूँ। टिमारू एक्चुअली क्राइस्टचर्च से भी आगे है, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर और आगे है वो। और कब मैं एक्चुअली ऑकलैंड से वेलिंगटन 2 दिन पहले आया था, और ऑलरेडी -1 -2 टेम्परेचर था रास्ते में, बर्फ़ तो नहीं दिखी बट -1 -2 करीब था। और ऐसे ही चल रहा था टेम्परेचर, तो रात में आए थे तो इस करके मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने। मैं सोचा कि आपके लिए मैं दिन में वे वीडियो बनाऊंगा, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप देख भी पाएंगे साथ के साथ। तो ऐसा चल रहा था, हमारे पास जो है लोड केबल्स, देखिए आपने जो रोड के अंदर कई बार केबल्स चलती हैं बड़े बड़े, वो ड्रम्स से होते हैं, वो वायरें उस पर लपेटी होती हैं, ठीक है, बड़ी वाली, ठीक है, वो हमारे पास लोड है अभी, तो हैमिल्टन लेके जा रहे हैं। तो हैमिल्टन के जाने के बाद शायद हम लेट ना हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 घंटा लेट हैं हम ऑलरेडी, इस करके थोड़ा सा जल्दी में चलना पड़ेगा। मगर आगे अभी वे ब्रिज आएगा बुल्स का, शायद हमारे लिए खुला हो या ना खुला हमें पता नहीं है अभी, तो जाके देखते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं जब आ रहा था, तो जब ऑकलैंड से मैं आ रहा था वेलिंगटन की तरफ, उसी वे ब्रिज पे मेरे को रोक लिया था पुलिस वालों ने, ठीक है। तो वो आए थे, उन्होंने बोला कि साइड में लगाओ ट्रक, आपका जो ट्रक का जो वेट है ना वो ज़्यादा है, बट ओवरऑल जो वेट है वो कम है, ठीक है, जो ट्रक एंड ट्रेलर का जो टोटल वेट है वो कम है, मगर ट्रक में जो वेट है खाली वो आपका ज़्यादा है, पर एक्सल में ज़्यादा है, एक्सल पर ज़्यादा है मतलब वेट। तो कहता वो 12 टन से ऊपर नहीं होना चाहिए था पूरे ट्रक में, मगर आपके पास एक्सल पे ही 16 टन है, दो एक्सल पे, पीछे के जो दो एक्सल होते हैं उन पे 8 टन ईच। तो मैंने बोला ट्रक तो मैंने लोड नहीं करा है, तो मुझे पता नहीं है, वेवरेज उनके चलते नहीं है, तो उस करके मेरे को पेपर जो है मेरे को मिला, यानी मिला नहीं। तो कहते इस ओके आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप ट्रक लोड नहीं करते हैं, तो उन्होंने कंपनी के ऊपर फाइन कर दिया, ठीक है। तो फाइन तो हुआ कंपनी के ऊपर, कंपनी ने पास ऑन कर दिया होगा मे बी शायद लोडर के ऊपर, यूजुअली लोडर ही लोड करते तो उसके ऊपर फाइन चला जाता होगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने तो ये जो सिनेरियो पहली बार देखा है अब तक का पूरी ट्रकिंग की लाइफ में, मेरे को पुलिस वाले ने रोका हो, ठीक है, कभी पहले रोका नहीं मुझे पुलिस वालों ने, तो बट मैंने उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड करा कि वेट के पेपर्स के बिना मैं नहीं निकलूँगा बाहर, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को भी उन्होंने वार्निंग दे दी है, ठीक है, मेरे को उन्होंने वार्निंग दे दी, चलान नहीं काटा, वार्निंग दे दी उन्होंने, उन्होंने कहा कि आपका रिकॉर्ड हमेशा क्लीन रहता है, कभी आपका, यानी आपका रिकॉर्ड ही नहीं हमारे पास कि आपका कभी चलान हुआ हो,
ठीक है, तो हम सो वी आर जस्ट गिविंग यू द वार्निंग फॉर दिस टाइम। मैंने बोला ओके। तो बट उन्होंने बोला कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो 150 का चलान है, और फिर दोबारा वो $1,000 का चलान है, और फिर लाइसेंस कैंसिल है आपका। ठीक है, तो वैसे वार्निंग कहते हैं कि 2 महीने के लिए वैलिड रहती है खाली, उसके बाद चली जाती है। तो इट्स नथिंग फॉर द वार्निंग, वार्निंग इज़ ओके। बट हाँ, बट मैम एक श्योर मेरे मैंने करा उसके बाद से कि मैं अब की बार से जो भी लोड होगा मैं वेट के पेपर्स के बिना मैं नहीं निकलूँगा। तो फिर जब मैं फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आगे एक जो नेक्स्ट सिटी पड़ती है आपकी लेविन पड़ती है, तो लेविन पे जाके हम आपको पेपर दे रहे हैं। लेविन पे जाके ना शायद पेपर इधर होगा, ये रहा पेपर, ये इन्होंने मुझे पेपर दिया है। और फिर इन्होंने मेरे को बोला, कहते कि जो लेविन नेक्स्ट सिटी आएगी वहाँ पे कंपनी के यार्ड में जाके प्रायोरिटी बेसिस पे 3 टन के करीब सामान जो है यहाँ से निकालो ट्रक में से और ट्रेलर में डालो उसको। और उन्होंने मेरे को कुछ भी चलान नहीं करा। फिर उसके बाद मैं ट्रक लेके आ गया। बाद में मैंने फिर कंपनी को, जैसे ईमेल होते हैं वो, उस पर कोई रिप्लाई भी नहीं आया उनका ज़्यादा, क्योंकि उनकी गलती थी। पर हाँ, तो ये आपकी आपके लिए अपडेट था कि ऐसे ऐसे पुलिस के साथ कांड हो गया मेरा। बट पुलिस वाले अच्छे थे, अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। ये नेवर, अगर आप कोई भी आप बंदा कोई इधर आएगा ठीक है बाद में फ्यूचर में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि नेवर नेवर ट्राई टू गिव अ ब्राइब। ठीक है, ब्राइब मत देना यहाँ पे। आई रिमेम्बर मेरे को बड़ी हंसी आई थी वो न्यूज़ पढ़ के, यहाँ पे अपने कोई इंडियन भाई था, उसको ना ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा था। ठीक है, तो वो इतना ड्रंक था कि पुलिस वालों ने जब उससे पूछे, बात करने की कोशिश भी करी ना, तो पुलिस वाला उसको पुलिस वाले को बोलता वो बंदा कि कैन यू प्लीज़ टेक 200, पता नहीं 200 या $250 ऐसा कहता कि कैन यू प्लीज़ टेक दिस एंड प्लीज़ लीव मी। ओ भाई साहब, उसने भाई पुलिस वाले ने ना एक दो बंदों को और फ़ोन करा, वो आए उसको हैंडकफ करा और शायद उसको डिपोर्ट भी कर दिया है। ठीक है, तो ब्राइब तो मत देना ही है, यहाँ पे ब्राइब कोई लेता भी नहीं है इधर। आज मौसम बड़ा सही हो रहा है, बारिश ही बारिश है। कल रात को भी बहुत सही मौसम था। तो एक्चुअली जो हमारा वेट था ट्रक का जो वेट था हमारा वो ऑलमोस्ट था 17.5 टन। ठीक है, और वो एक्चुअली 12 टन से ऊपर नहीं होना चाहिए, 11 टन से एक्चुअली 11.5 तक चल जाता है। ठीक है, बट वो 17.5 था, तो इस करके पुलिस वालों ने फिर रोका था हमें। और फिर ऐसे बात हुई थी। तो अभी वो वे ब्रिज आने वाला है गाइस, शायद खुला हो हमारे लिए। नहीं खुला है आज। ये देख रहे हैं साइड में ब्लैक सा बोर्ड लगा हुआ है, ये नहीं आगे है। ये वो देख रहे हैं सामने ब्लैक सा बोर्ड लगा है, इसमें लाइट जलती है। अगर ये लाइट चल रही है ना तो आपको रुकना है। ठीक है, अभी देखो वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, राइट में देखोगे आप अपने, ये राइट में पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वहाँ से जो आ रहे हैं उनके लिए खुला हुआ है, जो उधर से आ रहे हैं ना उनके लिए खुला होगा शायद। कितनी गाड़ियाँ देखो पुलिस के लिए खड़ी हुई है, पुलिस की जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो है ना मेन चेक पॉइंट है एक्चुअली।
ठीक है, एक बोर्ड लगा है वो उधर, शायद अगर वो चल रहा है तो फिर वे ब्रिज खुला होगा। मेरे ख्याल से नहीं चल रहा क्योंकि पीछे भी लाइट जलती है येलो कलर की, वो बंद है शायद, अभी मैं देखता हूँ शीशे में दिख जाएगा। नहीं ये भी बंद है, ये वे ब्रिज भी बंद है, तो आज अभी तो बंद है बट अर्ली मॉर्निंग ज़रूर खुला होता है ये। ये ब्रिज ना बहुत टाइट है एक्चुअली, ये वाला जो है भाई यार, ये जो कॉन्स है ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, मतलब हर जगह मिलेंगे आपको न्यूजीलैंड में, हर जगह। एक आदमी भी काम कर रहा होगा ना तो ये किलोमीटर दूर तक ये कॉन लगा देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ पे ना आदमी की वैल्यू को समझते हैं ये। अब देखो ये दो लोग हैं बस, एक ट्रक है, देखो कॉन्स कहाँ तक लगाए हुए थे इन्होंने। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं डेजर्ट रोड पे, और डेजर्ट रोड पे आप देख पा रहे हैं वो जो पहाड़ है ना, एक्चुअली वो बादलों में अभी घिरा हुआ है पूरा, उस पर देख सकते हैं आप बर्फ़ जो है ना चमक रही है एकदम, वो एकदम फ्रेश बर्फ़ है। यहाँ पे हमेशा माइनस का टेम्परेचर रहता है ज़्यादातर, और ये सारा ना मिलिट्री एरिया है एक्चुअली। अभी मैं फ्यूल डलवाने के लिए मैं रुका था तो मैंने चेक करा कि एक स्ट्रैप ना बहुत ज़्यादा लूज थी, ढीली थी, तो वो लूज़ थी ना तो मैंने बिल्कुल शक हुआ, मैंने बोला एक ही स्ट्रैप तो मैंने इसके अंदर लगाई थी और ये लूज़ कैसे हो रही है। तो मैंने ना उसको खोल के देखा, तो मैंने देखा अंदर कि वो स्ट्रैप कट चुकी थी, ठीक है, तो वो एंड्स उसके शार्प होंगे शायद, तो उस वजह से ना वो कट गई थी स्ट्रैप, और वो फ्री थे अंदर, दोनों ड्रम जो थे वो फ्री थे। 800 किलो का एक है, अगर वैसे तो कर्टेन एक टन तक झेल सकता है वेट को, मगर अगर यार वो दोनों अगर गिर जाते तो कर्टेन फट जाता, तो उस करके मैंने सही टाइम पे देख लिया। फिर मैंने पुल ओवर करके ना साइड में फ्यूल डलवाने के बाद मैंने उसे स्ट्रैप डाली दूसरी, और जैसे तैसे टेम्प्रेली मैंने उसको लगा दिया। हमें बस यहाँ से जाना है, अभी जाना तो काफ़ी है वैसे, 250 किलोमीटर करीब जाना है हमें, तो ऐसे हमें करना है अभी 250 किलोमीटर तक, तो देखते हैं कि वहाँ तक अगर सही निकला तो ठीक है। वैसे तो सही था, हल्का सा शिफ्ट हुआ था, हल्का सा बहुत माइनर शिफ्ट हुआ था, वैसे तो सही था, हल्का सा शिफ्ट हुआ था, हल्का सा बहुत माइनर शिफ्ट हुआ था, क्योंकि अभी टापू के बाद नहीं, एक जगह पड़ती है तिराऊ के बाद तो स्ट्रेट रोड है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, मगर तिराऊ से पहले पहले तक हमें थोड़ा सा उसको ध्यान से थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। आई विश कि मैं जब आऊँगा नवंबर दिसंबर में गाड़ी लेके अपनी हॉलीडेज़ पे, मैं वहाँ तक जा सकूँ, क्योंकि मेरा बड़ा मन है उधर तक जाने का। वो एरिया पूरा बादलों में गिरा, वहाँ पे भी ना एक बहुत बड़ा पहाड़ है, माउंटेन है बहुत बड़ा उधर, तो वो भी ना अभी देखो पूरा बादल में गिरा हुआ है, पूरा बादलों में, और सबसे बड़ा तो खैर ये वाला है, ये सबसे बड़ा है। आगे पुलिस खड़ी है, कुछ बात हो गई है लग रहा है।
वो देख पा रहे हैं आप लाइट सामने रेड और ब्लू कलर की जल रही है, वो पुलिस की लाइट है एक्चुअली। शायद कुछ बात हो गई है या तो किसी को पुल ओवर करा उन्होंने। हाँ, एक गाड़ी को शायद पुल ओवर करा हुआ है उन्होंने, उसके आगे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी पुलिस की गाड़ी के बाद। एटलीस्ट मेरे को अभी तक फॉर गॉड सेक ऐसे तो नहीं रोका है कभी। ये रोड ना स्ट्रेट है एक्चुअली एकदम, तो एकदम स्पीड में भागते हैं लोग यहाँ पे ना। एक और खड़ी है पुलिस आगे, वहाँ पे भी कुछ बात हुई है, मुझे दिख रही है शायद आपको कैमरे में, अभी नहीं दिख रही होगी लाइट। एक और पुलिस खड़ी है आगे, ट्रकों को वैसे कम ही रोकते हैं ये लोग, क्योंकि ट्रक थोड़े प्रोफेशनल उसमें आते हैं ना, तो कम ही रोकेंगे। अगर रोकेंगे तो वे ब्रिज यानी वगैरह पे ही रोकते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे रास्ते में तो मैंने रुके हुए कम ही देखे हैं। एक बार देखा होगा मैंने बस ट्रक को रुका हुआ है ऐसे रास्ते में, और वो भी लोकल ट्रक था जो मैंने देखा था, टिप्पर का जो ट्रक था। हाईवे पे ऐसे बड़े ट्रक तो मैंने रुके हुए नहीं देखे कभी, वो ज़्यादा ही अगर कुछ एडवांस तरीके से चला रहा होगा ना तब रोक लेंगी पुलिस वाले उसे, तो वैसे तो कभी मैंने देखा नहीं है। अभी क्रूज पे चल रहा है एकदम, देखो मेरे जो पैर है ना, देखो मेरे मैंने साइड में करे हुए हैं, एकदम क्रूज पे लगा हुआ ट्रक। तो गाइस जब हम डेजर्ट रोड क्रॉस करते हैं ना ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना टाइट टर्न्स आते हैं, इधर 10 के करीब हैं। अभी 1:45 तो निकाल दिया हमने, ये 35 आया है। अभी सारे ऐसे आएंगे यहाँ पे, अच्छा मैं ना आपके कमेंट्स आपके मैं पढ़ रहा था, तो कमेंट्स में आप पूछ रहे थे कि कितना खर्चा आता है आप न्यूजीलैंड आने तक का, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि उसके बारे में कि ये डिपेंड करता है कि जैसे आप फ़्लाइट्स कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप फ़्लाइट्स पहले से ही बुकिंग करवा के रखेंगे थोड़ी मतलब थोड़े टाइम पहले की, ठीक है, जैसे पहले से बुकिंग कराएंगे तो सस्ती पड़ती है ना फ़्लाइट्स, आप उस चीज़ के उस पर चलेंगे तो फिर और सस्ता पड़ेगा आपको, ठीक है। खर्चा इन द सेंस मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया उनका, जिस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे जिसने कमेंट करा था, आई डोंट नो हिज नेम, तो मुझे समझ में नहीं आया कि खर्चा किस सेंस में खर्चा है, मतलब वीज़ा के सेंस में या फिर फ़्लाइट्स के सेंस में या फिर रहने के सेंस में, ठीक है, यहाँ पे रहने का खर्चा, ठीक है। बट मैं एक एज अ जनरल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप वीज़ा के उस पर आ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, फिर बाद में आप वर्क परमिट पे कन्वर्ट होंगे सीधा, ठीक है, फिर आप अपना PR अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो वाले जो वीज़ा है स्टूडेंट का, ठीक है, तो मेरा जो उसमें खर्चा आया था वो लगभग कितना था, लगभग $20,000 करीब तो मेरी फीस ही थी, ठीक है। उसके अलावा $20,000 के अलावा जो मेरी फ़ीस के अलावा जो था खर्चा 15 लाख रुपए इंडियन रुपीज़, तो वो होते हैं लगभग $7,000-8,000 करीब होंगे शायद, मेरे ख्याल नहीं 7-8 हज़ार नहीं ज़्यादा होंगे शायद $15,000 करीब थे वो, ठीक है। तो $15,000 जो थे, सॉरी $15,000 है वो आपके अकाउंट में जाएंगे, इधर वो कन्वर्ट कर लीजिए आप कितना होता है इंडियन रुपीस में, ठीक है। वो जो है एक्चुअली आपकी फ़ीस से अलग है, ठीक है, उसमें वो जो पैसे आपके $15,000 वो आपको यहाँ की गवर्नमेंट आपको हर वीकली आपको देगी, ठीक है, 1000
डॉलर के आसपास, $1,000 के आसपास निकाल के आपको हर वीक देगी, ठीक है। वो आपकी ऐसे जेब खर्च है, ठीक है, जैसे पॉकेट मनी आपको मिलती है ना, तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे आपकी पॉकेट मनी देगी आपको, ठीक है। वो अलग चीज़ है, आप साथ में काम भी कर रहे हैं तो दैट्स गुड, ठीक है। आप उसको सेव कर सकते हैं, जो आपको गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे डाल रही है $1,000 के करीब, आप उसको सेव रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, एक प्रोसेस है ये। बेटर रहेगा कि आपको जो है जॉब भी आप यहाँ पे देखते रहिए साथ के साथ, ठीक है। तो जॉब जो है आपको मिल जाएगी, मगर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है जब आप आते हैं एक नई कंट्री में जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है स्टार्टिंग में, हर जगह करना पड़ेगा आपको। आप लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कैनेडा और अच्छा है, अमेरिका अच्छा है, हाँ डेफिनेटली अच्छी कंट्रीज़ हैं, मगर आपको स्ट्रगल तो वहाँ भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रगल तो हर जगह है, स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल होती होती है। तो स्ट्रगल के साथ साथ आपको अपने लिए ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हर बार आपको देखनी पड़ेगी, मतलब हर बार, मतलब जैसे एक भूख होती है ना, भूख, ठीक है, उसकी तरह आपको देखनी पड़ेगी कि मेरी भूख है कि मैं एक अच्छी जॉब देखूँ, रिपीटेड जॉब, ठीक है, या फिर एक हाई अर्निंग जॉब देखूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली सीन ऐसा है कि जितनी गंदी जॉब होगी उतना ज़्यादा पैसा है, ठीक है, टू बी फ्रैंक लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब एज एन इन फ्रैंक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ। अमेरिका और कनाडा में भी यही है, ठीक है, जितनी गंदी जॉब होगी उतना ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। इतनी गंदी जॉब मतलब कैरी गंदी नहीं है, ये अच्छी जॉब है, काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है ट्रकिंग की भी, तो इसमें भी अच्छा पैसा है बहुत। अगर आप ऑफिस एडमिन वगैरह में आप जाएंगे, ठीक है, ऑफिस एडमिन हो गया या नॉर्मल ऑफिस वगैरह जो होते हैं, आप उनमें अगर जाएंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो मिनिमम से स्टार्ट होगी, ठीक है, जो मिनिमम चलती, मिनिमम ये एक्चुअली हर कुछ टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं मिनिमम। तो मिनिमम जैसे मैं जब आया था ना, तो मिनिमम सैलरी जो थी $16 थी मिनिमम पर आवर, ठीक है, जो कि अब इन्होंने इंक्रीज़ करके कर दी है, मतलब हर साल थोड़ी थोड़ी करी है उन्होंने, एकदम से सारी नहीं कर दी इंक्रीज़, ठीक है। 16 के बाद 16.50 हुई थी, फिर 17.90 हो गई थी, फिर 18.90 हो गई, ठीक है, फिर $20 हो गई थी, ठीक है, अब है 21 समथिंग है या 22 समथिंग है डॉलर्स मिनिमम, ठीक है। तो मेरे को तो पता नहीं एक्चुअली, क्योंकि जब से मेरे लाइसेंसेस बने हैं ना, मैंने उसके बाद कभी भी मिनिमम वेजेस पे काम नहीं करा है, ठीक है। तो आप आराम से, मैं जो कर रहा हूँ वो 26-27 पे मैं कर रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद मैं 30-32 पे भी आया हूँ, ठीक है, 36-38 तक भी गया हूँ, ठीक है, $36-38 पर आवर, डिपेंड करता है आपके पास एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। आज हमें ब्रेक शायद थोड़ा पहले ही लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया आज, क्योंकि मैं वो जिस ट्रैप टूट गई थी ना, उसके कारण मेरा टाइम थोड़ा सा निकल गया, हाफ एन आवर करीब, वरना हम टापू रुकते सीधा, बट आई गेस हम टापू नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि टापू हमें दिखा रहा है अभी 54 मिनट, यहाँ से मैंने टापू का ही लगाया हुआ सर अभी यहाँ पे मैप पे। तो टोरंगी एक जगह आता है, शायद हमें वहीं पे जाना पड़ेगा आज। थोड़ी सी स्कीडी रोड है ये ना, स्कीड हो रहा है, तो स्कीड होने की वजह से ना ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है ये, जब आप इंजन ब्रेक लगाते हो तो रोड स्कीडी है या नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ना ABS की तरह, जैसे ABS काम करता है ना, ऐसे काम करता है ये, तो कॉर्नरिंग ABS वगैरह है इसमें।
अभी हम ये पहाड़ों से बाहर आ गए हैं और सीधा अभी हम टापू जाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, ये मैं कमेंट्स में से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू ऐसे करके उन्होंने कहीं लिखे हुए हैं। आपको अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो हाँ, आप श्योरली कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या जो भी किसी तरीके से आप हेल्प चाह रहे होंगे मैं ट्राई करूँगा करने की, ठीक है, ट्रैकिंग से रिलेटेड जो भी होगी। एक मैंने कमेंट पढ़ा था, उसमें कोई भाई थे अपने इंडिया से, तो उसने लाइट मारी है सामने वाले ने, तो मतलब कह रहा है कि आगे पुलिस है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक भाई ने कमेंट कर रहा था कि मैं 40 साल का हूँ, लगभग ऐसा कुछ कमेंट था, मैं बैंगलोर में हूँ और शायद 16 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास ट्रैकिंग का, क्या मैं आ सकता हूँ न्यूजीलैंड? आई गेस आप आ सकते हो, ठीक है, बट आई एम नॉट अ काउंसलर एक्चुअली। मैं आपको एज अ फ्रैंक मैं आपको बता रहा हूँ कि, यानी एज अ फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो मैंने देखे हैं यहाँ पे लोग, उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपको प्रोफेशनल एकदम आप चाहिए इन्फॉर्मेशन तो वो मैं आपको दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो प्रोफेशनल इमिग्रेशन है, यानी लॉयर्स वगैरह हैं, कंसल्टेंट टाइप हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मिलवा सकता हूँ उनसे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी मेरे पास एक फ्रेंड है, मैं उनसे मिलवा सकता हूँ आपको, ठीक है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। मैं आपके जो कमेंट्स हैं ना वो मैं सेव करता जा रहा हूँ, ठीक है, तो जब आपके सारे कमेंट्स मेरे पास 10-20 क्वेश्चन हो जाएंगे ड्राइविंग ये लाइसेंस से रिलेटेड। तो गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं टोगरुआ, और अभी प्लान में कुछ अपडेट हुआ है, मेरे को मैसेज आया था कंपनी से, उन्होंने मेरे को बोला है कि आप अभी हैमिल्टन में जाके इसकी डिलीवरी कर दो और अपनी 10 आवर्स की ब्रेक ले लो उधर, और फिर वहाँ से जब 10 आवर्स की ब्रेक आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो रोटोरुआ आ जाना, सुबह 7 बजे लोड है आपका रोटोरुआ में कंपनी की यार्ड में, और आप जा रहे हैं यहाँ से ब्लेनिम और क्राइस्ट चर्च। तो ये अपडेट करा है उन्होंने अभी। अब मुझे टोरंगा नहीं जाना है, पहले मुझे टोरंगा जाना था यहाँ से पिकअप के लिए, तो अभी उन्होंने मुझे ऐसे बोला, तो ठीक है, ये भी सही है, मेरे को रेस्ट भी मिल जाएगा थोड़ा। अभी मैं जब जा रहा था ना तो सामने से कोई ट्रक आ रहा था, ठीक है, तो उसने मुझे वायरलेस पे बोला, ए वॉच योर वीडियोस। मुझे इतना सही लगा, मैंने बोला अच्छा थैंक, मैंने उसे रिप्लाई करा थैंक यू। कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब करा हुआ है शायद, तो उसने कहा मुझे कि आई वॉच योर वीडियोस। व्यू देखो यार कितना सही व्यू है। लिखा हुआ है योर स्पीड इज अवर सेफ्टी, प्लीज नाउ स्लो डाउन। अभी ऐसी चीजें लिखेंगे तो स्पीड तो स्लो करनी पड़ेगी फिर।